प्रधान संघ अध्यक्ष जी, एडीओ पंचायत, एडीओ आईएसबी साहबान, उपस्थित सचिव महोदय एवं कर्मचारी प्रधानगण, आप सभी का आजादी के इस 75वें माटी वंदनोत्सव कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। साथियों, यह कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी की एक सोच थी कि प्रत्येक नागरिक को उसके माटी, उसके देश प्रेम के भावना को जागृत किया जाए। इसी उद्देश्य से उन्होंने 12 मार्च 2021 की गुजरात से यह कार्यक्रम प्रारंभ किया और इस सोच के साथ किया जो आज हम देख रहे हैं। यह सोच जिस मूर्ति का रूप में आया कि आज जो है गाजे बाजे के साथ पब्लिक और एक, वैसे हम 15 अगस्त और 26 जनवरी के में ही इस तरीके से बैठते थे, लेकिन एक जो 2.5-3 महीना इधर हम लगातार मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम और 2021 12 मार्च 2021 से लगातार जो कार्यक्रम चल रहा है, एक जो उत्साह का माहौल देश में है, इसी को जागृत करने के उद्देश्य से 12 मार्च 2021 को साबरमती के तट से जो है इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। और मैं तो आज चूंकि नोडल लुक था तो 6 गांव में देखा और मैं अपना अनुभव आपको बयां करना चाहता हूं कि इतना उत्साह, जितनी संख्या हमारे प्रधान है, प्रधान प्रतिनिधि हैं ग्राम पंचायत सिंगोरा बुजुर्ग के, 200-300 के करीब एक गांव में जिस प्रकार संख्या देशभक्ति के लिए, अपनी माटी पे गौरव करने के लिए एकत्रित हुई, यह शायद ही कभी देखने को मिला हो। अमूमन धार्मिक यात्रा या कलश में ही जिस तरीके से लोग एकत्रित होते हैं, लेकिन यह पहला क्षण था, पहली बार थी ऐसा अवसर आया कि जब देश प्रेम और अपनी माटी पे गौरव करते हुए लोग जो है इतने बड़े जुलूस में एकत्रित हुए। और जब हम यहाँ सिंगोरा में अपने अनुभव को जैसे सर बताए साझा करने के लिए, सिंगोरा में आप यकीन नहीं करेंगे, जब हम वहां बताए कि यह जो है माटी जो है पहले आपके गांव से विकास खंड में जाएगा, विकास खंड से जिले पे जाएगा, जिले से प्रदेश की राजधानी में जाएगा और राजधानी से फिर कर्तव्य पथ पे जो शहीद स्मारक बन रहा है उसमें लगेगा, तो वो माटी देने के बाद महिलाएं सिर पे जब कलश यात्रा निकाली और गाड़ी में रखने के बाद 20 मिनट केवल उसका नमन की, मतलब लगातार पैर छूने का तांता लगा रहा। तो यही भाव था जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो जागृत करना चाहते थे, जो हम लोग के बीच पुलवित और पुष्पित करना चाहते थे, तो आज शायद वह भावना हम लोग के बीच पुलवित और पुष्पित होते हुए दिख रहा है। और ज्यादा ना कहते हुए मैं इसी के साथ अपने बाड़ी को विराम दे रहा हूँ। धन्यवाद।